दिलबर तेरे प्यार में सेकंड वीक का सेकंड शो अभी शोलापुर के कुछ ऑडियंस ये फिल्म देखी है 6:30 का। आइए इनका इनसे एक ओपिनियन लेते हैं कि शोलापुर की ये हिस्ट्री की पहली हिंदी फिल्म है और मैंने जुनेद चंदा ने एक बॉलीवुड को कॉपी करके बॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों का ओपिनियन लेते हैं। सबसे पहले शोलापुर की एक बहुत बड़ी हस्ती है यासिन सर, उनसे एक उनका ओपिनियन लेते हैं। सर आपको ये फिल्म कैसी लगी? सच बताऊँ तो शुरू से आखिर तक कुछ लग के रहना पड़ा, क्योंकि दिल से कहना पड़ता है कि जुनैद तेरे प्यार ये संगी मिल है और आगे यूं ही बढ़ते रहो और शोलापुर ही नहीं बल्कि बॉम्बे बॉलीवुड हॉलीवुड तक आपकी परवाज़ हो, ऊंचाई तक पहुंचो, नेक दुआएं हम सब। उसके बाद हमारे यहाँ माजी नगर से एक अरुण मेमर साहब जो बादशाहपेट से, सर एक राजकारण से होते हुए आपने ये फिल्म देखने के लिए आया और जो हमारी हिम्मत अफजाई बढ़े, आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा? पहले से सेवट तक बहुत अच्छा लगा मुझे कि अभी जो फिल्म में जो काम किए, मैं आपको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं करता हूं कि आगे आप जरूर बढ़ेंगे। मैं इतना आप सब इस लड़के को दो लड़कियां बहुत मोहब्बत करती हैं। देखते हैं किसको मोहब्बत मिलती है। हम तो चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात तरक्की करें ताकि ये मौका बार बार होने वाला। आप शोलापुर के फनकारों को भी मौका दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी पिक्चर बनाना बड़े कलाकारों को लेकर ये कोई बड़ी बात नहीं है। शोलापुर की 130 कलाकारों को आफ्ताब बनाना ये बहुत बड़ी बात है और आपने और काम किया। यहाँ की लेडीज देखिए सर, यहाँ की लेडीज जो फिल्म देखी है तो सबसे पहले आपको ये बताइए कि इसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर किसने दिखा पूरी फिल्म में? मुझे आपका मुन्ना का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो उन्होंने वादा जो किया था वो निभाया वो भी अच्छा लगा। अच्छा पंजा! रियल आपको अच्छा लगा क्या? मुन्ना को इम्प्रेस कर रहे हैं आप? मुझे राजकुमार वाजकुमार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुन्ना चाहिए। तो बुलबुल आपका फेवरेट बुलबुल है, आपका मुन्ना है। मैडम आपका? मेरा भी मुन्ना है। ओह क्या बात है। आपका सर? जुनैद चंदा। क्या जो प्यार में जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। पिशौरी मैडम, मैडम आपका कौन है? क्या बात है। इस लड़के को दो लड़कियां बहुत मोहब्बत करती हैं। देखते हैं किसको मोहब्बत मिलती है। और आइए जो जहां पर हमने शूटिंग किया है घरकुल पंचशी का, कुछ लोग आए हुए हैं भाई, आप लोगों को कैसे कैसा लगा और अपने जहां आप रहते हो वहां की लोकेशन देख के आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बुलबुल एक अंजू है, एक लड़के है कि दो है? लड़की एक ही है, डबल लड़की है। अच्छी बात है। और एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट मैं एक न्यूज़ लेना चाह रहा हूँ कि मैंने शोलापुर में एक कोशिश की है, मुझे ये नहीं कि मेरे फिल्म में लोग देखने के लिए कम आए हैं, गिने चुने लोग आ रहे हैं, मगर मेरी हिम्मत अफजाई बहुत बड़ी है। एक मेरी बहन ही आप पर आई फिल्म देखने के लिए, आइए उनसे मिलते। क्या नाम आपका? हुआ यासिन। आपने फिल्म देखने के लिए आए हैं, कैसी लगी आपको? कोई कैरेक्टर का नाम? जी मुन्ना। मुन्ना कैरेक्टर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ये फिल्म देखने के लिए आए और बहुत, जैसे कि मैं एक शोलापुर में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि शोलापुर की ऑडियंस से एक बड़ा आवाज़ कि आप हैंडीकैप हैं, हाँ। तो आप हमारी हिम्मत अफजाई बढ़ाने के लिए आप फिल्म देखने यहां तक आ रहे हैं, तो शोलापुर पूरा शोलापुर क्यों नहीं मेरी हिम्मत अफजाई बढ़ा सकता? तो सबसे वो तो शोलापुर वाले लोग आओ या ना हो, मगर आपको सलाम है।
मुन्ना के अलावा अगर कोई कैरेक्टर को आप पसंद लाइक किया, कौन सा कैरेक्टर है वो? मुन्ना के बाद बुलबुल। तो अंजू ने क्या बिगाड़ा आपका? जो आपको सपोर्ट करते रहे। अच्छा बुलबुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो अगर बुलबुल और मुन्ना दोनों में से एक को कंपेयर करना है तो ये अच्छा बंदा है तो किसको बोलेंगे, बुलबुल या मुन्ना? मुन्ना। अच्छा मेरे साथ बैठे इसलिए मुन्ना बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैरेक्टर मुन्ना का अच्छा लगा, यानी कि मुन्ना यानी मैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।